हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है। जूनियर इंजीनियर की कुछ वैकेंसीज खाली है, जिसके लिए PGCIL, जिसे हम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी कहते हैं, उन्होंने अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसके बारे में आज हम लोग मिलकर डिस्कस करने वाले हैं। ये 21 तारीख को ये जारी किया गया था नोटिफिकेशन। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि आप लोगों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और जो सैलरी का पैकेज है आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर दे दिया जाएगा। शुरुआत में आप लोगों को ट्रेनी की पोजीशन पर रखा जाएगा, जिसका जो स्टाइपेंड है 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप लोगों को पे किया जाएगा। कौन सी ब्रांचेज वाले एलिजिबल होंगे और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म डलना चालू हो चुके हैं और कहाँ पर जाकर के आप लोग अप्लाई करेंगे, एज लिमिट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं डेली जो अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो PGCIL के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया हुआ है नॉर्दर्न रीजन्स के लिए। तो कौन कौन से रीज़न आ रहे हैं पहले वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर लद्दाख रीजन के 2 हैं और कश्मीर रीजन के लिए 1 है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी से आप देख सकते हैं पोस्ट के वाइज। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 9 सीट खाली है और साथ ही साथ यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी मेंशन किया गया है। डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के लिए 2 और डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 5। अब कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या है और कौन कौन सी ब्रांचेज वाले एलिजिबल होंगे वो हम देख लेते हैं रीजन के वाइज। तो डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल लद्दाख रीजन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल टाइम रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों का। और यहाँ पर परसेंटेज का भी क्राइटेरिया जोड़ा गया है। और डिसिप्लिन कौन कौन से अप्लाई एलिजिबल होंगे, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये इतने डिसिप्लिन वाले हैं। और उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देखते जाइए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पोजीशन है उसके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है सिविल इंजीनियरिंग और फिर उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लगभग ये वाला पहला वाला और दूसरा ये जो तीसरा वाला है ये सेम है। और अब एज लिमिट के बारे में देखें तो 27 ईयर्स है आप लोगों का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और EWS के लिए, और ST के लिए 32 साल है, 27 साल और इसके लिए भी 27 साल है। एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को दिया जा सकता है, आप उसके लिए इनके रूल्स पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो स्टाइपेंड मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर 25,000 के ऊपर में 27,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप लोगों को शुरुआत में पे किया जाएगा। और उसके बाद में आप लोग जब वहाँ पर परमानेंट कर दिए जाएंगे तो बेसिक पे ऑन रेगुलराइजेशन के हिसाब से आप लोगों की यहाँ पर सैलरी 25,000 से लेकर के 117,500 रुपये तक के जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सर्विस का एग्रीमेंट बॉन्ड भी आप लोगों से भरवाया जाएगा, इसके बारे में मेंशन है, आप लोग इसे रीड कर लीजिए। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, आप लोगों का रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, 2 घंटे का रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें भी रीड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टेस्ट के सेंटर्स यहाँ पर हैं, कहाँ पर आप लोगों को टेस्ट देना है। तो ये 3 टेस्ट सेंटर्स बताए गए हैं यहाँ पर, आप इन्हें देख लीजिए। अब हम आगे चलें तो जनरल कंडीशंस भी आप यहाँ पर रीड कर लीजिए। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक आप लोगों को नीचे में दे दूँगा। कैसे अप्लाई करना है तो उसका यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है। आप लोगों को अप्लाई का लिंक वैसे तो नीचे में दे दिया गया है, या फिर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर करियर सेक्शन में जाना है और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, और फिर यहाँ पर पूरा ही मेंशन है, आप लोग यहाँ पर रीड कर लीजिए इसे। और यहाँ पर हम देख लेते हैं तो ये लास्ट डेट और अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है। 21/3 से फॉर्म डलना चालू हो चुके हैं, 20/4/2022 तक के फॉर्म डलना जो लास्ट डेट है इसकी। और जो डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, तो जून 2022 में इसका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम है या फिर डाउट है तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ये अप्लीकेशन फ़ीस का भी स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।